हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.1 पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। यह प्रश्न हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन बार बार आता है और हर एक साल, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी किसकी संख्या ज्ञात करना है? शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं प्रश्न नहीं लिखा हूं, तो प्रश्न में यहाँ पर 6 प्रश्न है, तो यहाँ पर ग्राफीय विधि से देखना है। तो एक चीज मैं क्वेश्चन हल करने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि आपको पता है कि ग्राफ में 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ पर वाई होता है, नीचे माइनस वाई होता है, यहाँ पर एक्स होता है, इधर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या मिड पॉइंट 0 से हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष या वाई अक्ष, मान लीजिए कोई ग्राफ आपको मिलता है। सपोज दैट ये ग्राफ यहाँ मिला, ये ग्राफ कटा, तो ये ग्राफ ना यहाँ पर कोई वैल्यू देगा। तो यहाँ पर क्या, ये एक्स है ना, यहाँ पर 0 हो गया। मान लीजिए यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 हुआ, इसी प्रकार। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा ना, ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। इसी प्रकार यह क्या जाएगा, प्लस में 1, 2, 3, 4 जाएगा। फिर वाई अक्ष में भी जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, -1, यहाँ क्या हो जाएगा 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, बढ़ते जाएगा। जितना बड़ा ग्राफ रहेगा उस पर निर्भर करेगा हम लोग का। और एक चीज ध्यान दें, नीचे की ओर यहाँ पर भी जाएगा, ये -1, -2, -3, -4 देख रहे हैं ना, यहाँ ऋणात्मक है, तो इस तरह से जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए इस बिंदु को लेते हैं, इस बिंदु को मतलब ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ हम लोग काटे हैं, ये कौन सा, ये बिंदु पर है। इस बिंदु पर देखिएगा तो क्या है, एक्स बराबर, क्योंकि एक्स सबसे पहले रहता है। आप ग्राफ खींच चुके होंगे 9th क्लास में, 8th क्लास में, तो आप देखे होंगे कि ये पहला पद क्या था, एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो गया, -2, और ये वाई का वैल्यू क्या है, वाई में तो आगे पीछे नहीं बढ़ा है ना, यहाँ ये मिड पॉइंट हुआ, तो यहाँ से ना ऊपर गया है ना नीचे, तो यहाँ पर वाई का वैल्यू ना माइनस में होगा ना प्लस में, तो ये क्या होगा, 0, ये क्या हो गया, 0, तो 0 आ गया, मतलब आगे पीछे नहीं गया है। एक्स बराबर -2, यदि प्लस होता तो इधर होता। तो यहाँ पर ग्राफ के अनुसार देख रहे हैं तो एक्स बराबर -2, वाई बराबर क्या हो गया, 0, तो ये इस बिंदु का, ये इस पॉइंट का वैल्यू हुआ। मान लीजिए इसका देखते हैं, तो यहाँ पर एक्स बराबर, देखिए एक्स बराबर तो इधर ना, यहां से इस बिंदु से ना बाएं गया है ना दाएं गया है, तो ये जो एक्स का बिंदु होगा, यहाँ पर एक्स का जो बिंदु नहीं, एक्स का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, क्यों, क्योंकि ये लाइन में तो गया है नहीं ना, केवल वाई अक्ष में ऊपर की ओर गया है, और वाई अक्ष में ऊपर की ओर क्या को दर्शाता है, धनात्मक को दर्शाता है। तो वाई ऊपर की ओर जा रहा है, कहां तक गया, 2 तक, तो यहाँ पर 2 गया। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x का वैल्यू -2, 0, y का वैल्यू 0, यहाँ पर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब भी इस तरह का ग्राफ बने तो यहाँ पर ना, जब भी आप y एक्सिस को आप ध्यान नहीं रखना है, आपको ये y अक्ष को ध्यान नहीं रखना है, x अक्ष में देखिएगा, कोई भी समीकरण क्यों ना दिया हुआ हो, उसका जब हल निकालेंगे और वैसा वैल्यू मिल जाए कि जहां पर x का कुछ मान दिया हो, x का कुछ मान हो, लेकिन y का मान क्या होगा, 0 होना चाहिए, y का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, एक शून्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, एक शून्यांक, मतलब इधर एक 0 आ गया ना, एक 0, लेकिन आप बोलिएगा यहां पर भी 0 है, लेकिन यहां पर y अक्ष, मतलब y का वैल्यू 0 है ना, तो यहां पर y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू 0 है, मैं बोलने में गलती किया था, या x का वैल्यू 0 आ गया, y का वैल्यू क्या है, 2 है। तो y का वैल्यू संख्या में नहीं होना चाहिए, जब y का वैल्यू आपका क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक शून्यांक मिलेगा, अर्थात इंग्लिश में बोल सकते हैं एक 0 मिलेगा आपको, एक 0s है, 0s करके लिखता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर जो ग्राफ कटा तो क्या मिल गया, एक 0 मिला, तो ये हो गया एक शून्यांक, मतलब x अक्ष को कोई भी ग्राफ जितना बार काटेगा उतना ही शून्यांक
होता है। तो यहाँ पर एक बार काटा है ना एक्स अक्ष को, यहाँ पर देखिए यहाँ भी वाई अक्ष को ये ग्राफ काट रहा है, लेकिन वाई अक्ष वाला को गिनती नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का जीरो है। नमत बोलिए सर यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी शून्यंक हो जाएगा, नहीं केवल एक्स अक्ष को काटना चाहिए। तो मान लीजिए और एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए ग्राफ है आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि मान लीजिए कोई ग्राफ इस तरह का गया, इस तरह का गया, तो यहाँ पर ये एक्स का वैल्यू मिलेगा कुछ, लेकिन वाई में तो ऊपर नहीं चढ़ा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर मान लीजिए एक्स का कुछ वैल्यू हुआ तो वाई तो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो ना। यहाँ पर भी देखिए कि एक्स का कुछ वैल्यू मिल जाएगा लेकिन वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि ऊपर और नीचे ये कोई वैल्यू है इधर नहीं गया है। अगर आप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट में भी आप देखिएगा तो क्या एक्स का कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा, समथिंग 1 2 3 4 5 जो भी मिले, लेकिन वाई का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ भी जीरो मिला, यहाँ भी जीरो मिला, यहाँ भी जीरो मिल रहा है, मतलब एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ कितना बार काटा है, तीन बार काटा है, तो इस ग्राफ का जो शून्यंक होगा वह शून्यंक कितना होगा, तीन होगा। मतलब इसका निष्कर्ष क्या है कि एक्स अक्ष को जितना बार काटे, एक्स अक्ष को जितना बार काटे उतना ही उसका क्या होता है, शून्यंक होता है। आप जब भी कोई भी ग्राफ का वैल्यू रहेगा उसको हल करके देखिएगा, उस तरह का जो भी आए तो वह क्या होगा, एक शून्यंक को शो करता है। मैं बताया ना इस पॉइंट पर इसी तरह से इसको हल कर लेंगे। तो यदि समझ में आया होगा तो चलिए, ये समझ में आया गया होगा तो जरूर हम लोग शुरू करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 का, जितने भी 1 में 6 क्वेश्चन दिया है 6 को 1 by 1 हल करते हैं। चलिए समझ में आया होगा तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न वाले 2.1 में हमें बताया कि 6 क्वेश्चन है, अभी आपको बोर्ड में 6 का 6 क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलिए 1 by 1 देखते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आसान है क्योंकि आप जान रहे हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानिएगा, तो आसान कोई चीज नहीं होता है, जानने के बाद हर एक चीज आसान हो जाता है। तो और एक चीज फिर मैं बोलता हूँ कि यह क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड के एग्जाम, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो शून्यंक मैं जैसा बोला ना, एक्स अक्ष पर फोकस करना है ना, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पहला जो क्वेश्चन है एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है वो काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है ना, देखिए एक्स अक्ष पर कहीं भी टच नहीं किया है, तो ये शून्यंक बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका शून्यंक आप नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शून्यंक बराबर कितना हो गया, जीरो, कुछ नहीं है इसका शून्यंक। आप देखिए दूसरा नंबर में, दूसरा में आप देखिए एक्स अक्ष दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु का कितना कितने प्लेस में काटा है, कितने जगह पर काटा है, एक जगह। तो इसका जो शून्यंक होगा, शून्यंक बराबर आपका क्या हो जाएगा, शून्यंक बराबर एक हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आप देखिए एक्स अक्ष को ना देखना है हम लोग को, तो एक्स अक्ष को देखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर तो कितना शून्यंक हो, 3, 1, 2, 3, क्योंकि ग्राफ कितने जगह काटा है, 3 जगह। तो शून्यंक बराबर क्या होगा, शून्यंक बराबर आपका हो गया क्या, 3। ये 3 तो फटाफट बन गया, बहुत ही आसान। आप देखिए चौथा में आते हैं, चौथा में क्या बोलते हैं, आप ध्यान रखिए चौथा क्वेश्चन भी आसान है। देखिए यह काटा है कितना जगह, 1, 2 जगह काटा है ना, यहाँ पर 2 जगह काटा है, तो समझ लीजिए इसका शून्यंक बराबर क्या हो जाएगा, 2। शून्यंक बराबर कितना है आपके पास, 2। यहाँ देखिए, यहाँ घबराने वाली बात नहीं, बस एक अक्ष को गिनिए, 1, 2, 3, 4, एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, तो शून्यंक बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 4। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर 1, यहाँ पर मत सोचिए कि सर इधर से आया और इधर से, मतलब दोनों 2 बार कट रहे, नहीं, केवल यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ 1 पॉइंट, मतलब इस तरह का रहेगा तो समझ लीजिए यहाँ पर भी क्या होगा, 1 पॉइंट। तो टोटल क्या मिला, ये वाला 1, 2 और यहाँ कितना मिला, 3। तो शून्यंक बराबर इसका क्या हो जाएगा, शून्यंक बराबर क्या हो गया, 3। क्या बहुत मजेदार है ना, बहुत ही मजेदार, एकदम हलवा के जैसा, बहुत ही मजेदार है। तो बस एक गणित, आप एक गणित नहीं, एक नंबर का मार्क्स फिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर के लिए आता है मैट्रिक में। तो बस ध्यान रखिएगा कि एक्स अक्ष को जितना बार काटा है उतने ही उसका क्या होगा, शून्यंक होगा। बस छोटी सी बात कि जब यहाँ पर मुड़े ना, यहाँ पर जिस तरह का है, यहाँ पर 2, यहाँ पर इसको 2 नहीं गिना जाता, 1 गिना जाता है, यहाँ 1, इसको भी मैं एक ही बार गिना हूँ, तभी ना 1, 2 और 3 हुआ। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 का 6 का 6 क्वेश्चन बन गया। एक पेज पीछे जाइएगा एनसीईआरटी बुक में, एक पेज पीछे पलटिएगा तो एग्जाम्पल में ना 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत देख के बना लीजिएगा, एकदम पलक झपकते बन जाएगा।
तो मैं उम्मीद करूं समझ में आया होगा। समझ में आया तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए हैं तो। और यदि आप मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, आप गणित बना पा रहे हैं, तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और इसका नोट चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया रहा था उसमें जाकर देखिएगा, आपको नोट मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूँ समझ में आया। तो मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।